होम कैजुअल कुकिंग में होम शेफ रुपया यास्मीन आपके साथ और आज की रेसिपी है स्वीट डिश। जी हाँ, स्वीट डिश वो भी कौन सी, बिहारी खीर। कैसे बनेगी, चलिए इसके इंग्रेडिएंट देखते हैं। चावल जो है मैंने आधा कप लिया है, ये है मूंग की दाल, ये भी आधा कप ली है मैंने। ये दो आलू हैं जिनको मैंने इनका छिलका उतार के काट लिया है और अच्छे से इनको वॉश कर लिया। इस एक कप दूध को हम पानी में डिजोल्व करेंगे और पानी जो होगा ऑलमोस्ट 3 कप होगा कंडेंस मिल्क। अगर आपको मीठा थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो आप आधा कप शक्कर भी इस खीर में डाल सकते हैं। भिगोने के बाद दाल, चावल और आलू, इन तीनों चीज़ों को मैं बॉयल कर लूँगी। बॉईल करने के बाद इनको मैश करेंगे। आलू, दाल और चावल को मैंने बॉईल करने चढ़ा दिया है और जब तक ये गल नहीं जाएंगे तब तक मुझे इसको बॉईल करना है। ये डन हो गए हैं, अब मैं इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करूँगी। मैं इसको डाल के, ये 1 कप दूध है तो मैं आधा अभी डालूँगी और आधा जो मैंने मटेरियल और रखा हुआ है उसमें डालूँगी। देख लीजिए इसका पेस्ट इस तरह से होगा, बहुत स्मूथ सा मैंने पेस्ट बनाया है। और अब इस मिक्सचर को मैं ऐड करूंगी मिल्क में, जो कि नीम गरम किया हुआ है मैंने। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और चमचा चलाते रहेंगे। बहुत तेजी से मैं चमचे को मूव कर रही हूँ क्योंकि अगर मैंने इसको मूव इस तरह से नहीं किया तो गुठलियाँ बन जाएंगी और फिर बाद में उन गुठलियों को खत्म करना बड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, मुश्किल से इसको हम 5 मिनट तक यहीं पर ऐड कर रहे हैं। ये मेरे पास 1/2 कप है, 1/2 कप शुगर मैंने इसमें ऐड कर दी है। शक्कर इसमें घुल गई है, अब मैं इसमें कंडेंस मिल्क डालूंगी और इसको भी धीमे धीमे मुझे मिक्स करते जाना है और चमचा चलाते जाना है। तो मैंने कंडेंस मिल्क डाल दिया है, बस थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मैं और पकाऊंगी और इसकी फाइनल शक्ल जो है वो सामने आ चुकी है। इसको ज़्यादा हम गाढ़ा नहीं करते, अगर आप इसको ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो इसका जायका जो है वो अजीब सा हो जाएगा। इसकी खूबसूरती है कि ये इस तरह से गिर रही हो। बिहारी की तैयार हो चुकी है और इसमें आप कोई चीज़ भी ऐड नहीं कीजिएगा, पिस्ता, बादाम, कोई फ्लेवर, इसका अपना एक फ्लेवर होता है बहुत अच्छा सा, तो कोई एक्स्ट्रा फ्लेवर इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है वरना इसका जो अपना एक टेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही श्रीपा यास्मीन को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, होम शेफ बनने का राज अम्मी की रेसिपी याद रखिएगा।